ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे इस दिवाली के मौके पर, क्योंकि हर कोई के लिए दिवाली का तिजोरी बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, तो तिजोरी के हम चमत्कारिक टोटके आपको बताने वाले हैं जहाँ पे बैकफायर होने का कोई चांस नहीं है और आपको मालामाल होने से भी कोई नहीं रोक सकता है। हम आपको 13-14 टोटके बताएंगे जो आप अपनी अलमारी मतलब तिजोरी के साथ कर सकते हैं। देखिए, तिजोरी और अलमारी में फ़र्क होता है। अक्सर ये देखा गया है कि गोदरेज के अलमारी के अंदर ही एक तिजोरी होती है। अब इस तिजोरी को किस दिशा में कैसा रखना चाहिए, इसमें क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं, यह वास्तु का विषय है। हम यहाँ वास्तु नहीं बल्कि ज्योतिषियों द्वारा बताए गए तिजोरी के उपाय के संबंध में बताएंगे। आप इन उपायों को अजमा कर धन और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आप इनमें से 2 या 3 उपाय कर सकते हैं, सारे उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तिजोरी में आप पूजा की सुपारी रखिए। पूजा की सुपारी पूर्ण एवं अखंडित होती है, इसलिए इसको पूजा के समय गौरी गणेश का रूप मानकर उस पर जनेऊ चढ़ाई जाती है। बाद में उस पूजा की सुपारी को तिजोरी में रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ गणेश जी यानी बुद्धि के स्वामी का निवास होता है वहीं लक्ष्मी का निवास होता है। इससे घर में लक्ष्मी का अस्थाई निवास होता है। तो लक्ष्मी पूजन में आप सुपारी रखें। सुपारी पर लाल धागा लपेटकर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि पूजन सामग्री से पूजा करें और पूजन के बाद इस सुपारी को आप तिजोरी में रख दीजिए। फिर हम आते हैं हल्दी पे। शुक्रवार को पीले कपड़े में 5 कौड़ी और थोड़ी सी केसर चांदी के सिक्के के साथ बांधकर तिजोरी या धन के स्थान पर रख दीजिए। उसके साथ थोड़ी सी हल्दी की गांठ भी रख दें। कुछ दिनों में ही इसका असर दिखाई देने लगेगा और धन समृद्धि के रास्ते जो हैं वो ऑटोमेटिक खुलते नजर आएंगे। फिर आपने 10 रुपये का नोट देखा होगा, 10 रुपये का नोट की गड्डी आपको लेनी है। उसके साथ क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। तिजोरी में 10-10 के नोट की एक गड्डी रखें और कुछ पीतल और तांबे के सिक्के भी रख दीजिए। पीले सिक्के होंगे तो वो भी चल जाएंगे। कुछ सिक्के आपकी जेब में भी रखें। ध्यान रखें कि सिक्के जर्मन या अल्मीनियम वाले नहीं हों, तो आपको धातु का ही इस्तेमाल करना है, अल्मीनियम नहीं इस्तेमाल करना है। उसके बाद पीपल का पत्ता, 1 पीपल का पत्ता लीजिए और देसी घी में मिश्रित लाल सिंदूर से उस पर ओम लिखकर उसे तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिए। ऐसा कम से कम 5 शनिवार करेंगे तो 5 पत्ते हो जाएंगे। इससे धन संबंधित जितनी भी तंगी है ऑटोमेटिक आपकी दूर हो जाएगी। उसके बाद पीली कौड़ी, पुष्य नक्षत्र वाले दिन शाम के समय लक्ष्मी पूजन कीजिए। पूजन में पुराने चांदी के सिक्के और रुपयों के साथ कौड़ी रखकर उनका केसर और हल्दी से पूजा कीजिए। पूजा के बाद इन्हें तिजोरी में रख दें। आपकी तो जो तिजोरी है हमेशा पैसों से भरी रहेगी, आपको कभी धन की किल्लत महसूस नहीं होगी और ये आजमाया हुआ टोटका है। फिर दक्षिणावर्ती शंख, तंत्र मंत्र में दक्षिणावर्ती शंख का बहुत विशेष महत्व है। इसे घर के पूजा स्थान या तिजोरी में रखने से रंग भी राजा बन जाता है। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। सोम पुष्य योग में इसे घर में रखने से सुख समृद्धि बनी रहेगी, पूरा सुख समृद्धि रहेगा आपके घर में। दरअसल ये शंख लक्ष्मी माता को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो दक्षिणावर्ती शंख अकेला ही नफ हो जाता है। फिर भोजपत्र, अखंडित भोजपत्र लेना है आपको। अखंडित भोजपत्र पर लाल चंदन को पानी में घोल लें और उसको इंक जैसा इस्तेमाल करते हुए मोर पंख से श्री लिखें। अब इस भोजपत्र को तिजोरी में रखते हैं। कुछ ही दिनों में फायदा होना शुरू हो जाएगा और पैसा आपका बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे 7वां तरीका। 7वां तरीके से आपके मेरे ख्याल से आज 7वां या 8वां तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहेड़ा की जड़ लेना है। बहेड़ा बड़ा ही सहज सुलभ फल है। इसका पेड़ बहुत बड़ा होता है, महुआ के पेड़ जैसा बड़ा होता है। रवि पुष्य के दिन इसकी जड़ या पत्ते लाकर इनकी पूजा कीजिए। तत्पश्चात इन्हें लाल वस्त्र में बांधकर
भंडार गृह या तिजोरी में रख दीजिए। ये उपाय आपके सुख और समृद्धि बढ़ाएगा, लक्ष्मी ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होंगी। फिर शंख पुष्पी का जड़। पुष्य नक्षत्र के दिन शंख पुष्पी की जड़ लाकर इसे देव प्रतिमाओं की भांति पूजें और इसके पश्चात चांदी के डिब्बे में प्रतिष्ठित करके इस डिब्बे को धन की पेटी, तिजोरी, भंडार घर अथवा बक्से में रखें। यह टोटका लक्ष्मी जी की कृपा कराने में अत्यंत समर्थ है। हर गुरु पुष्य के दिन शंख पुष्पी की जड़ व चांदी का डब्बा बदल दें और पहले वाले जो हैं वो आप बहता हुआ पानी में छोड़ दीजिए। जमा हुआ पानी में मत छोड़िएगा, बहता हुआ पानी में छोड़ना है। फिर यंत्र स्थापना। देखिए यंत्र स्थापना जो है वो भी बड़ा लाभदायक होता है। ऐश्वर्य वृद्धि यंत्र या धंधा यंत्र की स्थापना करें। दोनों में से किसी भी एक यंत्र को विधिवत रूप से पूजन करके उसे धन रखने के स्थान पर या तिजोरी में रख दें। इससे आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी और धन हमेशा आपका बढ़ता जाएगा। ये जो मैं टोटके बता रहा हूँ आप एक बार इसको कीजिएगा। फिर काली गुंजा। धन संपदा के लिए तिजोरी के नीचे या तिजोरी के अंदर काली गुंजा के 11 दाने पवित्र करके रखें। धन रखने के स्थान पर या तिजोरी में हमेशा लाल वस्त्र बिछाएं। दुकान में तिजोरी के पास लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाएं। काली गुंजा का आप सुन लीजिए। काली गुंजा धन संपदा के लिए तिजोरी के नीचे या तिजोरी के अंदर काली गुंजा के 11 दाने रखने हैं और वो पवित्र करके रखें। इसके बाद हम आपको अगला टोटका बताने जा रहे हैं पर वो होली के दिन के लिए। होली के दिन गुलाब के खुले पैकेट में एक मोती शंख और चांदी का एक सिक्का रखकर उसे एक लाल कपड़े में लाल मोरी से बांधकर तिजोरी में रख दीजिए। आपको व्यवसाय में लाभ होगा ही होगा। इसके अलावा व्यवसाय में मनोकूल लाभ प्राप्त नहीं हो रही है तो किसी भी शनिवार के दिन नीले कपड़े 21 दाने रक्त गुंजा में बांधकर तिजोरी में रख दीजिए। अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए हर रोज धूप दीप अवश्य दिखाएं। ऐसा नियमित करने से व्यापार में लाभ होगा और सफलता भी प्राप्त होगी। अब हम आपको आखिरी उपाय बता रहे हैं और वह है श्रीफल का। किसी शुभ मुहूर्त में श्री लक्ष्मी फल को लाल कपड़े में रखकर उस पर कामिया सिंदूर, देसी कपूर तथा साबुत लौंग चढ़ाकर धूप दीप देकर एवं कुछ दक्षिणा अर्पित करके गल्ले या तिजोरी में रख दीजिए। इससे धन में समृद्धि होती चली जाएगी। यदि एक नारियल चमकदार लाल कपड़े में लपेटकर धन रखने के स्थान पर रखा जाए तो शीघ्र ही धन का आगमन होता है। तो ये मैंने आपको 13 टोटके बता दिए हैं तिजोरी के। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।